हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गाइस, अगर आपका मेमोरी कार्ड अगर आप डाले हैं फ़ोन में तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो कैसे आपको फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को और कैसे लाना है आपके मेमोरी कार्ड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। और अगर किसी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर किसी आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर किसी आप आगे बढ़ाएंगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, जिस भी फ़ोन में आप डाले हैं मेमोरी कार्ड, तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपके फ़ोन की सेटिंग में जाकर। तो यहाँ पर हर एक फ़ोन के अंदर रहता है गाइस ये सेटिंग, जो कि यहाँ पर अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं माउंट एंड अनमाउंट। यहाँ पर ये ऑप्शन गाइस ये बैटरी में स्टोरेज में रहता है गाइस माउंट अमाउंट का। तो यहाँ पर गाइस कैसा तो है कि यहाँ पर जब भी आप मेमोरी कार्ड डालते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है एसडी कार्ड को निकालने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जैसे ही अनमाउंट करते हैं तो यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर गाइस आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर ऐसा अनमाउंट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो अगर आप माउंट यहाँ पर दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर मेमोरी कार्ड आपका पहले से यहाँ पर सेटिंग में से निकला हुआ है। माउंट के ऊपर क्लिक करना होगा यहाँ पर, जिससे यहाँ पर मेमोरी कार्ड वापस आ जाएगा आपका। अगर फिर भी अगर ऐसा नहीं बता रहा आपको ऑप्शन सेटिंग में, तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको फाइल मैनेजर में जाकर यहाँ पर आपका जो मेमोरी कार्ड है उसको यहाँ पर आपको फॉर्मेट मारना होगा। अगर गाइस फिर भी अगर यहाँ पर सेटिंग में से भी अगर आपको ऐसा नहीं बता रहा, अगर ऐसा बता रहा है आपको, तो यहाँ पर अगर फिर भी यहाँ पर अगर फाइल्स वगैरह अगर आपके मेमोरी कार्ड में नहीं बता रहा तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मारना होगा। गाइस यहाँ पर आप फॉर्मेट मार के देखिए, अगर फॉर्मेट का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं बता रहा तो आप यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर पीसी के ऊपर कनेक्ट करना होगा आपका मेमोरी कार्ड, फिर यहाँ पर आपको फॉर्मेट मारना होगा। फॉर्मेट मारने के बाद यहाँ पर एक मरतबा चेक कर लेना आपको फ़ोन के अंदर डाल के। अगर यहाँ पर मेमोरी कार्ड के ऊपर बाल से बारीक भी अगर वो क्रैक आता है गाइस, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। अगर गाइस यहाँ पर बाल से भी बारीक अगर यहाँ पर इस लाइन्स के ऊपर अगर यहाँ पर क्रैक आता है, छोटा सा भी अगर यहाँ पर लाइन पड़ जाती है कौन सी भी तेज़ चीज़ से, तो यहाँ पर आपका जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो जाएगा, आपका डेटा चला जाएगा। तो यहाँ पर कैसे आप पहली फुर्सत में क्या कीजिए, आपका कंप्यूटर में लगा कर देखिए। कंप्यूटर में लगा कर यहाँ पर पूरा डेटा निकालने की कोशिश कीजिए। कैसे यहाँ पर कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं डेटा रिकवरी के, तो सबसे पहले डेटा रिकवर करने की कोशिश कीजिए ताकि यहाँ पर पूरा सारा डेटा आपका ले सकें यहाँ पर मेमोरी कार्ड का जो करप्ट हो रही है। अगर फिर भी यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं बताता यहाँ पर मेमोरी कार्ड ही यहाँ पर शो नहीं करता कंप्यूटर में भी, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, समझ लीजिए आप। तो इन टिप्स को करके देखिए गाइस, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।